नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि Xiaomi कंपनी अपनी Redmi ब्रांड के Redmi Y3 मोबाइल को लेकर बहुत दिनों से चर्चा में थी। आखिरकार दोस्तों, कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन Redmi Y3 को लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने लो प्राइसिंग के अंदर बहुत ही बढ़िया और अच्छे फीचर्स दिए हैं। और दोस्तों, इस मोबाइल की सबसे खास बात, इस मोबाइल के अंदर आपको दोस्तों 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों, मार्केट में अभी तक ऐसी कोई भी स्मार्टफोन कंपनी नहीं है जो कि आपको लगभग 10,000 रुपए की कीमत में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दे रही हो। लेकिन दोस्तों, आपको Xiaomi कंपनी इतना सब कुछ लगभग 10,000 रुपए तक के ही कीमत में दे रही है। तो दोस्तों, इस मोबाइल की सीधी टक्कर Redmi के ही Redmi Note 7 से होने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप Xiaomi कंपनी का Redmi Note 7 या Redmi Note 7 Pro मोबाइल लेना चाहते हैं, तो दोस्तों उससे पहले इस मोबाइल के फीचर्स, इसकी कीमत के बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों ही मोबाइलों को कंपेयर करके बताएंगे कि इन दोनों में से आपको कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, किसके अंदर आपको ज्यादा अच्छे फीचर दिए जाएंगे और इन मोबाइलों की कीमत कितनी होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों ही मोबाइलों के फ्रंट पैनल की, तो दोस्तों दोनों ही मोबाइल एक ही ब्रांड के मोबाइल हैं। तो दोस्तों, इन दोनों ही मोबाइलों का फ्रंट पैनल और इनका बैक पैनल लगभग एक जैसा है। इनके अंदर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही मोबाइलों के अंदर आपको वाटर प्रूफ नॉच डिस्प्ले दी गई है। दोस्तों, अगर इन मोबाइलों की डिस्प्ले के साइज की बात की जाए, तो दोस्तों आपको Redmi Y3 मोबाइल के अंदर कंपनी ने 6.26 इंच की HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दी है, जो कि 1520x720 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:9 होगा। और दोस्तों, अगर Redmi Note 7 मोबाइल की डिस्प्ले की बात की जाए, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के अंदर आपको 6.3 इंच की फुल HD वाटर प्रूफ नॉच डिस्प्ले दी है, जो कि 1080x2340 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:9 होगा। तो दोस्तों, अगर डिस्प्ले के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में तो Redmi Note 7 मोबाइल आगे है। इसके अंदर आपको बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले दी गई है, लेकिन दोस्तों दोनों ही मोबाइलों का फ्रंट पैनल एक जैसा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मोबाइलों की रैम और इनके स्टोरेज के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए Redmi Y मोबाइल की, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल 3GB और 4GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 32GB और 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर Redmi Note 7 मोबाइल की रैम और स्टोरेज की बात की जाए, तो दोस्तों इस मोबाइल को भी कंपनी ने 3GB और 4GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 32GB और 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा और माइक्रो SD कार्ड के जरिए आप इसके स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही मोबाइलों के अंदर आपको दो दो वेरिएंट मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मोबाइलों के सबसे खास फीचर इनके कैमरा के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए Redmi Y3 मोबाइल के कैमरा की, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के बैक पैनल के ऊपर 12 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का ड्यूल फ्लैश लाइट वाला ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया है। और अगर इसके फ्रंट कैमरा की बात की जाए, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। और दूसरी तरफ अगर Redmi Note 7 मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के अंदर भी आपको 12 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया है और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों, अगर कैमरा के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों कैमरा के मामले में Redmi Y3 आगे है, इसमें कोई दुराय नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप एक बढ़िया और अच्छा सेल्फी कैमरा मोबाइल लेना चाहते हैं, तो दोस्तों Redmi Y3 बहुत ही बढ़िया और अच्छा मोबाइल है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मोबाइलों के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए Redmi Y3 मोबाइल के प्रोसेसर की, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के अंदर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 632 का चिपसेट दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया और अच्छा चिपसेट है। और यह मोबाइल एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया गया है और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको दोस्तों एडिनो 506 का GPU देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए दोस्तों Redmi Note 7 मोबाइल की, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के अंदर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल भी एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया गया है और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 612 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, प्रोसेसर के मामले में Redmi Note 7 आगे है, इसके अंदर आपको बढ़िया और अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इन मोबाइलों की बैटरी के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए Redmi Y3 मोबाइल की, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के अंदर आपको 4000 mAh की बहुत ही बढ़िया और पावरफुल बैटरी दी है, जो कि USB टाइप सी पोर्ट के साथ आती है। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर बात की जाए Redmi Note 7 मोबाइल की बैटरी, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर भी आपको 4000 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है, जो कि क्विक चार्जिंग 4 को सपोर्ट करती है और यह भी USB टाइप सी पोर्ट के साथ दी गई है। तो दोस्तों, अगर इनके बैटरी के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों दोनों ही मोबाइलों के अंदर आपको एक जैसी बैटरी दी गई है, लेकिन दोस्तों आपको Redmi Y3 मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं इन मोबाइलों की कीमत के बारे में। दोस्तों, अगर बात की
की जाए रेडमी वाई थ्री मोबाइल की कीमत की, तो दोस्तों इस मोबाइल का 3GB रैम वाला वेरियंट आपको लगभग 10,000 रूपए और 4GB रैम वाला वेरियंट आपको लगभग 12,000 रूपए में मिलेगा। और अगर बात की जाए दोस्तों रेडमी नोट 7 मोबाइल की कीमत की, तो दोस्तों इस मोबाइल का 3GB रैम वाला वेरियंट आपको लगभग 10,000 रूपए और 4GB रैम वाला वेरियंट आपको लगभग 12,000 रूपए में मिलेगा। तो दोस्तों दोनों ही मोबाइलों की कीमत बिल्कुल सेम है, इनकी कीमत के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। चलिए दोस्तों जानते हैं आपके लिए कौन सा मोबाइल बढ़िया रहेगा। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी एक मोबाइल को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों दोनों ही मोबाइल एक ही ब्रांड के मोबाइल हैं, इनके अंदर आपको बढ़िया और अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप बढ़िया और अच्छा सेल्फी मोबाइल लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए रेडमी वाई थ्री मोबाइल बढ़िया और जबरदस्त मोबाइल होने वाला है, इसमें कोई दराय नहीं है। क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस मोबाइल के दूसरे फीचर्स थोड़े से आपको इतने स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर यह मोबाइल बढ़िया और अच्छा मोबाइल है। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा मोबाइल पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।